ओम शांति, मैं हूँ मोनिशा डोले। मैं हूँ एक माइंडसेट कोच, बेस्ट सेलिंग ऑथर और एन एक्ट्रेस। यहाँ पे मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सेल्फ लव, स्पिरिचुअलिटी, मैनिफेस्टेशन, इन सभी के बारे में आपके साथ बात करती हूँ एंड वीडियोस बनाती हूँ। अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो आपका बहुत 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 वेलकम। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा अगर आपको मेरे कंटेंट्स अच्छे लगते हैं। अगर आप एक रेगुलर व्यूअर हैं तो आपका बहुत 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 वेलकम। थैंक यू फॉर योर लाइक्स, फॉर योर कमेंट्स, फॉर योर सब्सक्रिप्शन। इट मीन्स द वर्ल्ड टू मी। ये वीडियो मैं फिर से हिंदी में बना रही हूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकूँ। बहुत लोग मुझसे बोलते हैं कि आप हिंदी में वीडियो बनाया कीजिए, तो मैं इसलिए आजकल वीडियोस हिंदी में बना रही हूँ। और आज मैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ जो कि है डेस्टिनी। बहुत लोग मुझसे ये पूछते हैं, इज एवरीथिंग ऑलरेडी प्री डेस्टिन्ड और वी क्रिएट आवर ओन डेस्टिनी? क्योंकि मैं तो सिखाती हूँ लोगों को मैनिफेस्टेशन के बारे में, हाउ टू मैनिफेस्ट वॉट एवर यू वॉन्ट, एंड आई ऑल्सो से दैट यू क्रिएट योर ओन डेस्टिनी। तो इस क्वेश्चन का आंसर मेरे पास नहीं था काफ़ी सालों तक, लेकिन ऑफ लेट आई डू हैव एन आंसर जो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ। Is everything already predestined? Yes, everything is already predestined. इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ बड़े बड़े इवेंट्स ही predestined हैं, like whom you're getting married to, आप कौन सा जॉब करने वाले हैं, कौन आपके फ्रेंड्स हैं। नहीं, आपके लाइफ का हर एक पल already predestined है। Every moment to moment to moment to moment to moment to moment is already predestined. ये मैंने कहीं पे पढ़ा भी है। एट द सेम टाइम मैं अपने लाइफ एक्सपीरियंस से भी आपको बोल रही हूँ, देयर आर सो मेनी थिंग्स इन माय लाइफ व्हिच यू नो व्हिच कैन ओनली बी प्रीडेस्टिन्ड। यस, मैं मैनिफेस्ट करती हूँ। यस, आई एम ए कॉन्शियस थिंकर। मैं कॉन्शियसली मैनिफेस्ट करती हूँ। आई कॉन्शियसली पुट आउट पॉजिटिव थॉट्स। तो वो भी सच है। यू ऑल्सो क्रिएट योर ओन डेस्टिनी। नाउ अभी दोनों बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग हो गए। यू क्रिएट योर ओन डेस्टिनी, एट द सेम टाइम आई एम सेइंग दैट everything is already predestined. Let me explain. You're only going to create a destiny that is already predestined for you. आपके दिमाग में वही सारे thoughts आएंगे जो already predestined है, जो already programmed है, जिसका blueprint आपके अंदर already है। जब आप इस धरती पे आए थे, planet earth पे आए थे, आप एक already programming के साथ आए हो और आप day by day उसी को manifest करते आ रहे हैं, चाहे आप consciously कर रहे हो या unconsciously। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानकारी ले रहे हैं, वो भी डेस्टिन्ड है। डेस्टिनी नहीं चाहती तो आपको ये नॉलेज नहीं मिलता, जैसे बहुत लोगों को नहीं मिलता है। आप ये वीडियो देख रहे हो, ये भी डेस्टिन्ड है। तो अब आप बोलोगे, तो कुछ करने का क्या मतलब, क्या फायदा, हम तो ऐसे हाथ धरे बैठे रहेंगे। आप ऐसा कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपका स्पिरिट, आपकी बॉडी आपको वो अलाउ नहीं करेगी। आप या तो बोर हो जाएंगे। तो जो हम एक्शंस लेते हैं, एक्चुअली एक्शंस डजंट मीन एनीथिंग। माई टीचर एब्राहम हिक्स तो हमेशा ये बोलती है कि इंसान एक्शन पे बहुत निर्भर रहता है। उनको ये लगता है कि उनके एक्शन से ही उनको रिजल्ट्स मिलता है, लेकिन एक्शंस का ज़्यादा मतलब कुछ नहीं है। एक्शंस इज जस्ट टू कीप यू बिजी, बिकॉज वी आर ह्यूमन बींग्स। हम बिना कुछ किए रह नहीं सकते, इसलिए हम एक्शंस लेते हैं। पर हम भूल जाते हैं कि एक्शंस फन के लिए लिया जाता है। पहले जब हम एक्शंस लेते थे ह्यूमंस, तो वो सर्वाइवल के लिए लेते थे। हमको बाहर जाना ही पड़ता था ताकि हम पानी लेके आए, आग लेके आए, लकड़ियाँ लेके आए, वो जाना ही पड़ता था। लेकिन अभी हम ऐसे इरा में आ गए हैं जहाँ पे घर बैठे बैठे हमको सब कुछ मिलता है। आजकल तो एनलाइटनमेंट भी घर पे बैठे बैठे ही आपको मिल सकता है, बिकॉज ऑफ यूट्यूब, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। कहीं जाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, आप घर पे ही एनलाइटन हो सकते हैं। आप बहुत ही क्वालिफाइड भी हो सकते हैं, आपको सारे क्वालिफिकेशंस भी घर पे बैठे बैठे मिल सकता है। तो हम एक्शन सिर्फ फन के लिए लेते हैं, जस्ट टू कीप आवरसेल्व्स बिजी। तो अब हम ऐसे मैजिकल इरा में आ गए हैं जहाँ पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि हम वही एक्शन लेंगे जो फन हो। इसीलिए पर्सुइंग योर पैशन, डूइंग व्हाट यू लव, ये सारे कॉन्सेप्ट्स इतने ही पॉपुलर हो गए हैं। एवरीवन इज लीनिंग टुवर्ड्स डूइंग व्हाट दे लव, लीनिंग टुवर्ड्स देयर पैशन। तो इसका यही वजह है, क्योंकि समवेयर वी नो कि हमको वही करना चाहिए जिससे हमको खुशी मिलती है। हमको वो नहीं करना चाहिए जो सब करते हैं या जो करना चाहिए। हमको वही करना चाहिए जिससे हमें खुशी मिलती है। और द पर्पज ऑफ टेकिंग एक्शन इज दैट टू मेक यू फील हैप्पी। आप खुश रहें, आप इंजॉय कीजिए, आप जिंदगी को इंजॉय कीजिए।
तो जैसे श्री कृष्णा ने बोला है गीता में कि तू कर्म कर, फल की आशा मत कर। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको अपने डिजायर्स नहीं मिलेंगे या आप अपने डिजायर्स के बारे में भूल जाइए। इसका ये मतलब है कि आप एक्शंस लीजिए खुश रहने के लिए, है ना। हमेशा ये मत सोचिए कि आपके एक्शन से ही सब कुछ होता है। आपका एक्शंस तो बस एक माध्यम है, एक मीडियम है, एक जरिया है यूनिवर्स को अपना काम करने का। आप और हम यहाँ पे एक मीडियम है। यूनिवर्स का जो प्लान है, द कॉस्मिक प्लान, उसमें हम सब एक पार्ट प्ले कर रहे हैं और हम वही करेंगे जो यूनिवर्स चाहता है। और हम जो चाहते हैं और यूनिवर्स जो चाहता है वो एक्चुअली सेम है। हमारे लोअर कॉन्शियसनेस से हम सोचते हैं तो हमको लगता है कि हमारी इच्छा यूनिवर्स की इच्छा से सेपरेट है, बट हमारे हायर सेल्फ को पता है कि आवर डिजायर्स एंड यूनिवर्स डिजायर्स इज वन एंड द सेम। यहाँ पे द कॉन्सेप्ट ऑफ वननेस भी आ जाता है। तो आई होप आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिली होगी इस वीडियो में। इस वीडियो में आज मैं इतना ही बोलना चाहूंगी। आई विल कीप इट शॉर्ट क्योंकि एक बहुत ही वास्ट कॉन्सेप्ट है। तो आई होप आपको आपका आंसर मिल गया होगा। एवरीथिंग इज ऑलरेडी प्री डेस्टिन्ड। सो द पॉइंट इज के आप रिलैक्स रहिए। जब भी लाइफ में आपको कोई भी परेशानी मिले या आप एक क्रॉस रोड में आ गए हो तो रिलैक्स कीजिए। आपकी लाइफ खत्म नहीं हुई है। दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर डेस्टिनी। अगर लाइफ ने आपको इस उस मोड़ पे लाके खड़ा किया है, आप कहीं पे फंस गए हैं, तो उसका सोल्यूशन भी जरूर है। तो इसलिए डेस्टिनी पे बिलीव करना भी बहुत अच्छा है। तब आप अपने से सारा प्रेशर हटा देते हैं। आपको ये नहीं लगता है कि सब कुछ आपको ही फिगर आउट करना पड़ेगा, सब कुछ आपको ही ढूंढना पड़ेगा, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन, आपके पास कोई हेल्प नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि आपने बहुत बड़ी गलती कर दी हो जिसका कोई सुधार नहीं है। सब कुछ डेस्टिनी का ही एक प्लान है, डेस्टिनी का ही एक पार्ट है। सो जो भी आप सर्कमस्टेंसेस से गुजर रहे हैं, वॉट एवर इज हैपनिंग इन योर लाइफ, दिस इज ऑल अ पार्ट ऑफ योर डेस्टिनी। सो देर इज नथिंग टू वरी अबाउट। सोल्यूशंस भी आ जाएगा। हर सर्कमस्टेंस आपको किसी ना किसी चीज के लिए प्रिपेयर कर रहा है। तो फोकस ऑन सेल्फ लव, फोकस ऑन योर सेल्फ, एंड येस कीप मैनिफेस्टिंग कॉन्शियसली बिकॉज दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ डेस्टिनी। जहाँ पे ह्यूमन बींग्स मोर एंड मोर कॉन्शियस होते जा रहे हैं तो वही डेस्टिन्ड है कि इंसान और कॉन्शियस हो जाए। जहाँ पहले बस एक गिने चुने लोग थे जो कॉन्शियस थे, अभी हम ऐसे इरा में आ गए हैं जहाँ पे मेजोरिटी लोग कॉन्शियसली थिंक करेंगे, कॉन्शियसली सोचेंगे, कॉन्शियसली एक्शन लेंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग, राइट? थैंक यू सो मच। मैं आपसे मेरे अगले वीडियो पे मिलती हूँ। बाय बाय।